देखिए दोस्तों, इस प्लांट को हमने ग्राफ्टिंग किया था 7 मई को और आज है 18 मई और हम उसका अपडेट लेंगे। मैंने सोचा था मैं 1 साल बाद उसका ग्राफ्टिंग करूँगा, मगर इस प्लांट पे मैंने जो भी पिछले साल ग्राफ्टिंग किया था उसमें बहुत अच्छी सफलता मिली, यानी उसमें फ्लावरिंग आने लगी एक ही साल में। तो मैं उसका ग्राफ्टिंग स्टिक लेने तो जा नहीं सका, मगर जो फ्लावरिंग हुई थी उसी में से मैंने कट करके यहाँ एक बड फिक्स किया था। और देखिए दोस्तों, आज 18 मई है और केवल 8-9 दिनों में ही ये स्प्राउटिंग करने लगा। देखिए, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, हो सकता है पिछले साल उसमें फ्लावरिंग आए। तो इस स्पीसीज के साथ ये है क्रिएटिव नीरोला, यानी वरुण ट्री है गुजराती में नाम उसका। तो उसको मैंने सिंपल सा ग्राफ्टिंग किया है, जो ग्राफ्टिंग किया था दूसरे स्पीसीज के साथ उसी में से कटिंग करके मैंने उसको पिंच किया, यानी ट्रिमिंग की थी। तो उसी में से जो निकला उसको मैंने यहाँ ग्राफ्टिंग किया और ये हो गया। अब थोड़ी सी वायरिंग करेंगे बाद में, तो उसको पहले अच्छे से जमने देंगे। और उसी के साथ एक और दूसरा प्लांट था उसी स्पीसीज का, बहुत ही छोटा, वो भी दिखाता हूँ। तो ये है वो दूसरा प्लांट, छोटा सा, एक ही दिन दोनों में ग्राफ्टिंग किया है मैंने। तो उसको भी देख लेते हैं। वैसे तो मैंने देख लिया है, ऐसे ही दिखाई देने देता है कि क्या अपडेट हुआ है। तो मैंने वायर लगाया है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, कहाँ एंड नहीं दिखाई दे रहा। चलिए ठीक है, तो उसको भी खोल के देखते हैं हम। ये बहुत ही छोटा सा निगलेक्टेड था, उसमें पिछले साल मैंने ट्राई किया था ग्राफ्टिंग में, मगर तब सक्सेस नहीं हुआ था। और अब देखिए उसमें स्प्राउटिंग चालू हो गई है और अब ये 1 साल में शायद फ्लावरिंग भी करने लगे। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर में है दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा प्लांट, दूसरी ब्रांचें भी निकल रही है तो ब्रांचिंग भी होती रहेगी, उसमें थोड़ी कम ब्रांचिंग होती है। तो ये है रिजल्ट। और उस पीसेस के साथ मेरा ग्राफ्टिंग का जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस रहा, यानी कि फ्लावरिंग होती है ग्राफ्टिंग। के बाद तो इस तरह से मेरा अब एक कॉन्सेप्ट ही बन गया है कि बहुत सारी चीज़ों स्पीसीज का मैं छोटा सीडलिंग लगाता हूँ और उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करता हूँ, और हो सकता है बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिलेगा मुझे। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।